अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जानशीर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और प्रीमियम प्रो की मैं आज एक और क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। आज की क्लास में भी हम टूल्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे, लेकिन एक एक टूल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीमियर का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद मेरे पास तो ऑलरेडी ये लास्ट सेव फाइल थी, मैंने वही फाइल उसी फाइल पे काम कर रहा हूँ। या तो आप चाहें तो सबको सेलेक्ट करके रिमूव कर दें, ठीक है, और अपनी कोई भी नई वीडियोस अपलोड कर दें। मैं यहाँ मेन फोल्डर पे आ जाता हूँ अपने, ये मेरा मेन फोल्डर है, ठीक है, और ये हमारे फिर वीडियो का फोल्डर है, ऑडियो का फोल्डर है, इस तरह करके। तो मैं सिंपली यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से कुछ वीडियोस मैं बल्कि ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो वीडियोस मैंने यहाँ इंपोर्ट की है। फर्स्ट वाली वीडियो को मैं यहाँ सोर्स विंडो में ड्रैग करके ले आता हूँ और इस वीडियो का कुछ पार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लाके हम इसको मार्कआउट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम मार्किंग मार्कआउट करने के बाद हम ये जो वीडियो है इस वीडियो को ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे सीक्वेंस जो हमारी है उसके बारे में पूछ रहे, तो आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, और मैंने इसकी यहाँ प्लेसमेंट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड क्लिप है इसको भी मैं अपनी सोर्स विंडो में ड्रैग करके ले आता हूँ, ठीक, और इसका भी कुछ पार्ट हम क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, या बल्कि मार्किंग को हम थोड़ा सा आगे ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक ये जो बीच में आपको ब्लैंक ब्लैक डार्क शेड दिख रहा है, तो इसकी वजह से मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी ब्राइटनेस हो उसमें, ठीक है। सो हम यहां से मार्किंग ले लेते हैं और यहां से मार्कआउट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी टाइम भी मार्किंग मार्कआउट चेक कर सकते, मतलब अपना चेंज कर सकते हैं। सो मैं ड्रैग करके इस वीडियो की यहाँ इसके बराबर में ले आता हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं अपना वीडियो देखूँ, वीडियो क्लिप मतलब देखूँ कि हमारी लेंथ वगैरह क्या है और वीडियो के प्रीव्यू क्या है, सो मैं इसे ड्रैग करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट वीडियो यहाँ खत्म हो रही है और सेकेंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं यहां चाह रहा हूं कि हमारे पास ये जो वीडियो है इस फर्स्ट वाली वीडियो को हम पीछे की तरफ ड्रैग करें, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ हम इसे ड्रैग करें, ठीक है, और राइट वाली वीडियो का कुछ पार्ट वो इसमें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब हमारा जो वीडियो की टाइम ड्यूरेशन है वो अपनी जगह रहे। सो मैं इस टाइम लाइन को यहां तक ले आता हूं ताकि यहां हमें पता चले कि हमारी वीडियो यहां पे एंड हो रही है, ठीक है। अब मैं यहां से रोलिंग एडिट टूल ले लेता हूं और रोलिंग एडिट टूल लेने के बाद मैं यहां से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और फर्स्ट वाली वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट वीडियो को मैं जैसा ही मतलब ट्रिम कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, सो आप देखिए राइट वाले का पोर्शन मतलब एरिया जो है वो भी उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। सो मैं अगर इसे ले आता हूँ, सो आप देखिए ये जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो थी, बल्कि मैं पहले अंडू करके आपका इसका व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां एक वीडियो में मैं फ्रंट की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फौरन ही हमारे पास एक रिवर की वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो यहां पे अब मैं रोलिंग एडिट टूल लेके इसे लेफ्ट की तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे लेफ्ट की तरफ मूव किया और उसके फौरन बाद हमारी ये वीडियो में आप देखा कि पहले ये वीडियो यहां से स्टार्ट हो रही थी इस स्टेप से, मतलब ये जो थोड़ा सा पोर्शन था ये हमारी इस वीडियो का था, ठीक है, सो वो इसमें ऐड हो गया है इसी तरीके से, क्योंकि हमारी जो टाइमलाइन थी वो अपनी जगह पे है, ठीक है। मतलब टाइमलाइन मैंने यहां रखी थी अपनी टाइमलाइन ताकि हमारा टाइमलाइन एज इट इज रहे। सो मैं दोबारा इसे सेलेक्ट करके इसका साइज यहां से फर्स्ट वाली वीडियो का लेंथ हम बढ़ा देते हैं और राइट वाली का सेकेंड वाली वीडियो का लेंथ हम छोटी कर देते हैं, ठीक है। सो आप ये देखिए फर्स्ट वाली वीडियो अब हमारी मजीद ज्यादा आगे आ रही है, ठीक है, ज्यादा आने के साथ साथ
वो आगे चल रही है और उस वक्त फौरन ही हमारी सेकंड वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो रेलिंग रोलिंग एडिट टूल का बेसिकली ये काम है कि फर्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसका जो भी पार्ट होगा वो बढ़ा के या कम करके सेकंड वीडियो जो होगी उसका पार्ट वो उसमें एडजस्ट कर देगा, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास भी छोटी सी है, छोटे छोटे क्लिप्स होंगे लेकिन काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इंशाल्लाह अगली क्लास आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।